हेलो गाइस, स्टॉक मार्केट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज है 8 दिसंबर। बात करेंगे यस बैंक के बारे में, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट के एक्सपर्ट सुधीर बंद्योपाध्याय जी किस तरीके का व्यू दे रहे हैं यस बैंक को लेकर। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बोल रहे हैं कि यस बैंक तकरीबन 20 से 25% के लगभग आपको अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है इस मंथ में, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गिरावट हमको देखने के लिए मिल चुकी है। तो देखिए, यहाँ लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं और परेशान भी हैं। अक्सर उनका सवाल यही है कि देखिए, आप बोल रहे हैं कि यस बैंक ऊपर जाएगा और लगातार वो नहीं जा रहा है। तो देखिए, आपको बहुत चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसा कि आप अच्छे से समझते हैं, मार्केट अपने आप में जो है सेंटीमेंट्स पे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे या कहीं फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमेंट्स का जो खेल है वो बड़े प्लेयर्स ही बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट्स को देखेंगे तो जो स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे कुछ एक दिनों में, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सनफार्मा की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक अच्छा खासा मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन अब वहाँ पर भी गिरावट हमको देखने के लिए मिल रही है। और जब मैं मार्केट को ट्रैक करता हूँ तो ये मुझे पता चलता है कि यस बैंक और सनफार्मा या और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो लगातार अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अचानक से जैसे ही मार्केट के सेंटीमेंट्स थोड़े बहुत गड़बड़ाते हैं तो वहां पर देखिएगा ये स्टॉक्स गिर जाते हैं। क्योंकि यहां पर कुछ एक चीजें जो काफी समय से अनसर्टेनिटी बनाई हुए हैं, क्योंकि यहां ओवरऑल मार्केट के जो सेंटीमेंट्स हैं जिसमें यूएस चाइना की जो ट्रेड डील है वो भी देखिएगा अभी तक सही तरीके से नहीं हो पाई, वो टेबल पे किसी भी तरीके से होती हुई नजर नहीं दिख रही है। जिसका कारण है कि मार्केट में जो बड़े ग्लोबल प्लेयर्स हैं वो काफी नर्वस हैं, और उसी के कारण से देखिएगा मार्केट में ये अचानक से अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना होगा। देखिए, यही कारण है जो मार्केट के ओवरऑल मूड को बिगाड़ देते हैं। वहीं पे अगर आप इनका व्यू यस बैंक को लेकर देखेंगे तो देखिएगा वो कुछ अलग नहीं है उन लोगों से जो यस बैंक को लेकर बोलते हैं या वो बुलिश हैं यस बैंक को लेकर। तो देखिए, ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको समझना चाहिए, क्योंकि मार्केट का जो एक्सपर्ट है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको रिलायबल महसूस करा सकता है। क्योंकि देखिए, इनके पास जो इन्फॉर्मेशन हैं या जो इनका व्यू होता है वो काफ़ी दूरदर्शी होता है, और अगर आप एक बड़े लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए इनके सजेशन बहुत मायने रखते हैं। तो देखिए, ये कहते हैं कि देखिए जो बैंकिंग स्पेस है, स्पेशली जो इन्वेस्टर्स हैं वो देखिएगा कहीं ना कहीं अभी रिस्क ले रहे हैं। कारण है देखिएगा, अगर आप यस बैंक को देखेंगे तो ये ओवरसोल्ड रीजन में काम कर रहा है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा बिकवाली हो चुकी है। देखिए, यहां गिरावट के लिए जगह नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि देखिए, यस बैंक अभी तकरीबन 78 के लगभग था और गिरकर देखिएगा 56 के लगभग आ चुका है, यानी कि देखिए यहाँ पर गिरावट की बहुत बड़ी और संभावनाएं हैं। तो देखिएगा, ये संभावनाएं नहीं होती। देखिए, एक जगह होती है जहां पर देखिएगा किसी को भी खरीदना, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदना फायदेमंद साबित होता है। तो देखिए, वही चीज और वही चीज़ों को आपको समझना है, क्योंकि देखिए जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो कभी भी अपनी एवरेज वैल्यू को ऊपर नहीं जाने देते, वो उसको बनाए रखते हैं। तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए, अगर उनको खरीदना है यानी कि उनको अपनी एवरेज वैल्यू को बनाए रखना है तो देखिए वो स्टॉक का प्राइस को कई बार गिराते भी हैं, भले से फ्यूचर में वो स्टॉक ऊपर ही क्यों ना जाने वाला हो। भले से आपको मेरी बातें देखिए जुमले महसूस होंगी, लेकिन देखिए आपको इन चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्टॉक की या मार्केट की या इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां अनसर्टेनिटी बहुत ही आम सी बात है। इस चीज को आपको समझना चाहिए। तो देखिएगा, ये कहते हैं कि देखिए स्टॉक जो है वो काफी ज्यादा पिट चुका है और करंट लेवल्स पे ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि आने वाले समय में देखिएगा यहां पर आपको जो इसकी वैल्यूएशन मिलेंगी वो काफी अच्छी होंगी नियर फ्यूचर में। इस चीज को आपको समझना चाहिए, यानी कि वो काफी ज्यादा इसको लेकर बुलिश है। इस चीज को आप समझिएगा, वो कहते हैं इसकी जो फ्रेंचाइजी वैल्यू है बैंक की वो डेफिनेटली काफी ज्यादा है अगर आप आज की तारीख के मुकाबले में इसे भविष्य में देखते हैं। तो इन सारी चीजों को समझते हुए आपको इस चीज को समझना चाहिए कि यस बैंक अपने आप में काफी ज्यादा फायदे का सौदा है। वहीं ये साथ में ये भी कहते हैं कि तकरीबन 20 से 25% के लगभग आपको देखिएगा यहां इस मंथ के अंदर ही अंदर देखिए ये ऊपर देखने के लिए मिल सकता है, इस तरीके की इनकी प्रेडिक्शन है। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए मार्केट में जो इन्वेस्टर्स आए हैं यस बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए, वहां पर देखिएगा मार्केट जो है उनके नाम से कुछ ज्यादा खुश नहीं है। कारण है देखिएगा, यस बैंक को
किस इस तरीके के इन्वेस्टर्स की जरूरत है जो काफी लॉन्ग टर्म में इसको संभाल के रखें, क्योंकि यहां पर जिस तरीके की बातें खड़ी कर दी गई हैं कि देखिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है या उनकी क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है, तो ये सब चीजें देखिएगा मार्केट में अक्सर बनाई जाती हैं और वो भी बनाने वाले वही लोग होते हैं जिनको देखिएगा अपनी एवरेज वैल्यू को बिल्कुल बरकरार रखना होता है, उसको ऊपर जाने नहीं देना होता। तो ये सारी चीजें हैं, इनको आपको समझना चाहिए। हाँ, अगर आप ये कहेंगे कि देखिए आप बोल रहे थे ऊपर जाएगा और फिलहाल ये ऊपर नहीं जा रहा, तो देखिए आप इस चीज को मान के चलिएगा, ये यहां से ऊपर ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, इस चीज को आप समझिएगा। ये 56 वही लेवल है जहां से हमको तेजी देखने के लिए मिली थी और देखिएगा यहां कुछ नहीं हो रहा, यहां खरीदारी चल रही है, वो भी उन प्लेयर्स के द्वारा जिनको रिटेल निवेशक जिस समय बेचता है वही लोग खरीदते हैं, क्योंकि अगर बड़े प्लेयर्स खरीद रहे होंगे और रिटेल निवेशक भी खरीद रहा होगा तो डेफिनेटली उस वक्त सबसे बड़ी चोट अगर किसी को होती है तो देखिएगा वो बड़े प्लेयर्स ही होती हैं। तो ये सारी चीजें वो हैं जो आप मार्केट में रहकर ही समझ पाएंगे और देखिएगा वाकई में ये सुनने में काफी अटपटा और जुमले जैसा ही लगता है, लेकिन आप ट्रस्ट कीजिएगा आपको येस बैंक आने वाले दिनों में ऊपर ही दिखाई देगा और अब ज्यादा दूरी नहीं है। 10 दिसंबर को जैसे ही फाइनलाइज हो जाएगा कि फंड रेजिंग किस तरीके कैसे कैसे करी जानी है, उसके बाद सारी चीजें आपके सामने खुलकर आ जाएंगी। मैं पॉसिबली आपको भागता हुआ मार्केट दिखाई देगा और देखिएगा उसमें यस बैंक भी आपको अच्छे खासी बढ़त दिखाता हुआ नजर आएगा, तो इन चीजों को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं, आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसका बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए, आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और फ्रेंड का ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू।